भोपाल चयनित शिक्षक की भर्ती को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि चयनित शिक्षकों के बारे में स्कूल शिक्षा विभाग का स्पष्ट मत है, शिक्षकों की भर्ती कराना चाहते हैं। कोरोना अन्य कारणों से वेरिफिकेशन में विलंब हुआ था, लेकिन अब वेरिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है, हमारी सूची तैयार हो चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण पक्ष में है, उसके अनुसार भर्ती भी चाहते हैं, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का कुछ विषय को लेकर स्टे है। कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसका अध्ययन करने के बाद आगे की नियुक्तियां घोषित की जाएंगी। चयनित शिक्षकों के बारे में स्कूल शिक्षा विभाग का स्पष्ट मत है, हम शिक्षकों की भर्ती करना चाहते हैं। बीच बीच में कोरोना और अन्य सारी व्यवस्थाओं के कारण से वेरिफिकेशन में विलंब हुआ था, लेकिन वेरिफिकेशन का पार्ट पूरा हो चुका है, हमारी पूरी सूची कंप्लीट हो चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण के पक्ष में है और उसी अनुसार हम भर्ती भी करना चाहते हैं, पर क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का उस पर कुछ विषयों को लेकर स्टे है और कल भी उस पर पैसी थी, उस कल के जो उन्होंने निर्देश दिए कोर्ट ने, उसका अध्ययन करने के बाद हम आगे की तिथियां घोषित करेंगे। कम देखी जा रही है। निश्चित रूप से हमने जब स्कूल खोलने का निर्णय किया है तो कोरोना का को ध्यान में रखते हुए, इसलिए अभिभावक की तो सहमति जरूरी है, और अभिभावक यदि स्कूल में बच्चों को अपने को आज भी नहीं भेजना चाहते हैं तो हम उन पर दबाव नहीं बना रहे हैं, हम तो केवल स्कूल का माहौल बने और जो भेजना चाहते हैं अभिभावक स्कूल में भेजे, जो अभिभावक अभी भी बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं उनके लिए एक अपने बच्चों की पढ़ाई घर पर पूरी कराए ताकि बच्चे का साल नहीं बिगड़े। देखिए अभी हमने पहले जो परीक्षा आयोजित की थी पात्रता परीक्षा, उसके मान से हमने काम प्रारंभ किया है। अभी हमारे जो शिक्षक हुए भर्ती पूरी होने के बाद भी लगभग हर साल हमको परीक्षा आयोजित करनी पड़ेगी और हम धीरे धीरे करते करते स्कूल शिक्षा विभाग के जितने आवश्यक हो गए उतने सारी पूर्ति हम करने वाले हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.